टॉक। प्रोग्राम के नाम से ही जाहिर है कि ये एक संजीदा प्रोग्राम है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी चैनल्स हैं उन पर अगर कोई टॉक शो संजीदा होता है तो उस शो में सिर्फ लूज टॉक होती है, चाहे वो शो सियासी हो, चाहे अदबी हो, चाहे उस शो का ताल्लुक शो बिजनेस से। इस वजह से ARY वालों ने सोचा कि क्यों ना एक संजीदा प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसका नाम रखा जाए लूज टॉक। मुख्तलिफ लोग आएंगे इस प्रोग्राम में और जो हालात हैं हमारे मुल्क के इनके बारे में मैं आपको बता दूं। पिछले दिनों गालिब का एक ख़त मेरे नाम आया, मैं अक्सर ख़त लिखता रहता हूँ इकबाल को, गालिब को, सौदा को, मीर को। तो गालिब ने लिखा कि अनवर मियाँ तुम्हारा ख़त मिला, यहाँ के हालात भी अब तुम्हारे मुल्क जैसे हैं, परसों शाम जहन्नुम में धमाका हुआ जिससे 22 जहन्नुमी दोबारा जल के मर गए। सबका ख्याल है कि ये धमाका अलकायदा ने कराया है, मगर जोश मलियाबादी नहीं मानते। वो कहते हैं जहन्नुम में इतने मुसलमान हैं फिर वहाँ कोई मुसलमान धमाका क्यों करवाएगा। मुख्तार बेगम तुमसे बहुत नाराज़ हैं, तुमने कोई उनका कैसेट रिकॉर्ड नहीं करवाया। जुमे के दिन शाम में 7:30 बजे मैदान हशर में मेरी गज़लें गा रही हैं जो आगा हशर के घर के पीछे हैं। मैडम नूरजहाँ के बारे में तुमने मुझे लिखा था कि उनसे ज़रूर मिलना, मैं उनसे मिला, बहुत अच्छी खातून है। आजकल मैं पंजाबी उन्हीं से सीख रहा हूँ, मगर उनके दाद देने का अजीब व गरीब स्टाइल है। मेरे शेर सुनती हैं और वाह वाह करने के बजाय झप्पी पा लेती हैं। झप्पी का लफ्ज़ भी मैंने उन्हीं से सीखा है। परसों शाम नुसरत फ़तेह अली मेरे पास आए थे, वो अगले महीने की 1 तारीख को एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उसकी मेज़बानी तुम करो, मगर हम नहीं चाहते। जब तक रहो पाकिस्तान में खुश रहो और कोशिश करो कि पाकिस्तान के हालात सही रहें। आइंदा से अपने ख़त में निजात का तालिब मत लिखना क्योंकि मैं लिखता था। जब गालिब को हमारे यहाँ के हालात इतने ज़्यादा मालूम हैं तो हैरत की बात है कि आप लोगों को नहीं मालूम, और लूज टॉक में आप इन्हीं हालात को देखेंगे। मेरे पहले मेहमान जो हैं वो एक बिजनेसमैन, बड़ा पैसा कमाया उन्होंने इस मुल्क से, मगर ईमानदारी से नहीं। नैब में उनके खिलाफ कई केसेस हैं, होना परेशान चाहिए मगर लगते नहीं परेशान। जब मैंने उनसे इंटरव्यू के लिए कहा तो कहने लगे जी मैं डरता नहीं हूँ, आप मुझे बुलाएं। तो मैंने उनको बुलाया है, तो पहले प्रोग्राम में आप उनसे मुलाकात करेंगे। शौकत थानवी का नाम सुना है आप लोगों ने, उनके दो शेर मैं आपको सुनाता हूँ। इससे पहले कि वो आ जाएं मेहमान हमारे और उनसे बातचीत शुरू हो, कमजोर मुकाबिल हो तो फौलाद है मोमिन, कमजोर मुकाबिल हो तो फौलाद है मोमिन, अंग्रेज हो सरकार तो औलाद है मोमिन, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत इस तरह की हर कैद से आज़ाद है। वक्त हुआ है उन्हीं साहब से मुलाकात का, तो आइए मिलते हैं। बहुत बेईमान आदमी है, उसके बावजूद चेहरे पर एक मुस्कुराहट और एक खुशी का इजहार नुमाया होता रहता है, तो मुलाकात करते हैं। हमारी खुशनसीबी कि आज पहले प्रोग्राम में जो मेरे मेहमान हैं उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं, पैसा खाने के, बेईमानी के, टैक्स बचाने के, गलत सामान बाहर भेजने के। नैब में भी इनके ख़िलाफ़ एक केस चल रहा है। हमारी खुशनसीबी कि आजकल ये बाहर हैं इसलिए हमने स्टूडियो के अंदर इनको बुलाया है।
तो आइए मुलाकात करते हैं। हाँ नहीं, उसको कहो कि ये फोन बंद कर दे प्लीज, मोबाइल बंद करें आप। हाँ मोबाइल बंद कर दे। मैंने कुछ और कह रहा है, एक मिनट मैं गल कर रही हूँ, इधर करण दियो मैं। हाँ हाँ जी, नहीं रिकॉर्डिंग शायद शुरू हो गई है तो मैं हाँ फारग होके करता हूँ। तुम बैठो घर में बैठो, बंद करें इसको प्लीज़। यार अनवर, वैसे एक बात है बुरा ना मनाना, तुम लोग जो है ना बंदे को तो बंद कर सकते हो लेकिन इस मोबाइल को बंद करके दिखाओ, करके दिखाओ इस मोबाइल को बंद। आप इस मोबाइल को बंद नहीं कर सकते इसलिए कि इस पर कुछ पर्दा नशीनों की भी कालें आती हैं। टॉक शो की एक तहजीब होती है। जी जी, आपके खिलाफ आजकल अखबारों में बहुत आ रहा है। बात यह है कि रोजाना मेरी कोई ना कोई नेकी जड़ी है आड़े आ जाती है, इसलिए मैं पहला सफा पढ़ते ही नहीं हूँ। मैं पढ़ता हूँ इसलिए मुझे मालूम है। और यार तो तुम क्यों पढ़ते हो, मुझे एक बात जवाब दो ना, क्यों पढ़ते हो तुम मेरी खबरें क्यों पढ़ते हो, कुछ और पढ़ो तुम। कितना लिखाई पैसा खाया है आपने इस मुल्क का? ओए बहुत पैसा खाया आपने। ओए ज्यादा टीम सबिस्टियन बनने की कोशिश ना करो, मैं पूरी गल करता हूँ उसके बाद में आप जवाब दें। कितना पैसा खाया है? पैसा खाया है, फजूल बकवास करते हैं लोग, पैसा खाया है, हुकूमत की जबान बोल रहे हो तुम, पैसा खाया है, किसने पैसा खाया है ना, बोलना बड़ा आसान है। ये लो ये ठहनी है, खाकर दिखाओ। ये कैसे खाऊंगा मैं? ये नहीं खा सकते ना? मैं नहीं खा सकता। हाँ तो इसीलिए फिर क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी मैंने तुम्हारा झूठ तुम्हारे मुंह पे पकड़ा है कि पैसा खाया है, पैसा खा सकता है कोई? इधर से जब ठहनी नीचे जाएगी ना मेरी जान, तो दादे परदादे याद आ जाएंगे। आप अभी तक हुकूमत को 243 करोड़ रुपए वापस कर चुके हैं। बात यह है कि शाजिया जो है, मैं आपसे कोई और सवाल कर रहा हूँ, आप शाजिया की बात कर रहे हैं। और यार तू मेरी गल सुनेगा कि या मुझे खुद ही बीच में काटते जाओगे मेरी बात को? पूरी गल तो सुनो मेरी, शाजिया जो है उसके पीछे मैं इसलिए पड़ा था। आप मेरी गल मेरा सवाल सुने, आप अभी तक हुकूमत को 243 करोड़ वापस कर चुके हैं। हाँ जी कर चुका हूँ, तो मैं आप मेरी बकवास सुने ना जो मैं कह रहा हूँ, आप मुझे बोलने देंगे? शाजिया के पीछे मैं क्यों पड़ा पूछो? ये आप जाती बात मेरे प्रोग्राम में क्यों कर रहे हैं? इसका है ना इंटरलिंक है। देखो शाजिया के पीछे मैं ऐस करके पड़ गया था कि शाजिया का फिगर अच्छा है, उसका रंग अच्छा है, उसका कद अच्छा है, मेरा ना रंग अच्छा है ना फिगर अच्छा है ना कद अच्छा है, उसके बाद हुकूमत क्यों मेरे पीछे पड़ गई है, जवाब दो। खुदा ने आपको दिमाग दिया है। तो खुदा ने तुमको दिमाग क्यों नहीं दिया? तुम्हारी तो पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, तुम क्यों जाहलों वाले सवालात कर रहे हो इधर बैठ के? इतना रुपया वापस करने के बाद आपकी जिंदगी में कोई फर्क आया? पहले मेरे दिमाग में गैप से सवालात आते थे, अब मेरे दिमाग में नैप से सवालात आते हैं। नैप से? नैप तुझे क्या पता नैप क्या है? तुम लोगों के पास तो हिसाब लगाने के पैसे नहीं होते, कितने हजार दो हजार के चेक मिलते हैं तुम लोगों को, इससे क्या गुजर बसर होती होगी? नैब हमसे पूछो, पैसे वालों से पूछो कि नैब क्या होता है, सुबह दोपहर शाम नैब नैब नैब। मैं जानता हूँ नैब को। क्या भिजवा दिया था बाहर? क्या मतलब आपका? फिर सैम सेबेस्टियन बन रहा है तू? मेरे नाल सीधे सीधे टोन नीचे रख के गाल करना, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, समझ में आई बात? क्या भेजा था बाहर जो नैब जानता है तुमको? नैब में मैं किसी को जानता हूँ? नैब में तुम किसी को जानते हो? जी। अब तक मैंने जितनी हार्ड टॉकिंग की है आपसे, मैं उसके अल्फाज वापस लेता हूँ। कितने साल हो गए हैं शो बिजनेस में तुमको अनवर? 35 बरस। खुदाया 35 बरस के अंदर आज तक तुमसे तुम्हारे मुंह पे किसी ने नहीं कहा होगा कि तुम यू आर अ गोल्डन बॉय। तुम्हारी भवें देखो कैसे ऐसे लग रहे हैं जैसे दो खूबसूरत ब्रिज बने हुए हों। ओह क्या तुम्हारे ये कटाव देखो ऐसा फर्स्ट क्लास है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम नैब में किसी को जानते हो, ये मैं बाय द वे भी नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ बक रहा हूँ। ट्रूथ बका नहीं जाता, ट्रूथ बका जाता है, झूठ कहा जाता है, समझ में आई बात? पिछले 54 साल के अंदर इधर जो ट्रूथ बका गया है उसकी फहरिस्त बताओ मैं तुमको अनवर। आप 8 महीने जेल अंदर हो जाओगे अंदर, अगर मैंने फहरिस्त पढ़ दी ना इधर लाइन से चले जाओगे तुम लोग सब। आप कम बोले और मेरी बात सुनो। हाँ बोलें। आप 8 महीने जेल में रहे। छोड़ो इधर हाथ लाओ जी, हाथ इधर रखो, इधर हाथ रखो। क्या स्किन है, ब्यूटीफुल। क्या कर रहे हैं आप? ये
ये मैं कोई पश्तो फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे अकीदत का इजहार कर रहा हूँ। ये बता दो, नैब में किस बशिंदे को जानते हो? इससे क्या फायदा होगा आपका? इससे मुझे नहीं होगा फायदा, तुमको होगा मेरी जान। तुम मुझे ये बता दो किस बशिंदे को जानते हो? आठ महीने जेल में रहे। कौन? आप। किधर? जेल में। हाँ तो तुम्हारे कार से खाना आता था, तुम्हारे कार से रोटी आती थी। मुझे कौन हो तुम पूछने वाले? मैं कहीं भी रहूं, मेरा मूड है जब चाहता हूं जेल चला जा। हबीब जालब और फैज अहमद फैज मुझसे ज्यादा जेल में रहे लंबे अरसे के लिए। आप अपने आप को हबीब जालब और फैज से किस तरह मिला सकते हैं? बिल्कुल, वो शायरी करते थे हुकूमत के खिलाफ, इस वजह से जेल गए। मेरा और उनका केस एक ही है, एक ही केस है। उनको भी सरकार ने जेल में भेजा था, मुझे भी गवर्नमेंट ने जेल में भेजा, और मैंने जो शायरी की थी ना वो हुकूमत के खिलाफ थी। समझ में आए बात? हुकूमत की चमचागिरी में नहीं थी, इसलिए मुझे जेल भेज दिया उन्होंने। अगर आप कहें तो मैं एक नज़्म सुनाऊँ आपको। जी नहीं। क्या कहा आपने? जी नहीं। अनवर, तुम मेरा गुस्से को आवाज़ दे रहे हो, मैं बता रहा हूँ। मैं पैसे वाला आदमी हूँ, छोटे छोटे लोगों की बातें मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मुझसे कह रहे हो कि जी नहीं, मैंने कहा मैं नज़्म सुनाऊँ तो कह रहे हो जी नहीं। और वाजपेयी जो हैं वो नज़्म के अलावा आपको सब कुछ सुनाते हैं, वो आप सुन लेते हैं जबकि वो शायर हैं। हैं, ये होता है मुल्की और गैर मुल्की इंसान का फर्क। इस वक्त रहने दे, मैं सुनाता हूँ आपको, आप सुने। ये मैं लिख के लाया था, जो मैं आपको नज़्म सुना रहा हूँ ना, अनवर सबस्टैन साहब सुने। गालिब और फैज को आप भूल जाएंगे, ये मुल्क मेरा महबूब है, ये मुल्क मेरा महबूब है। मैंने जो कुछ कमाया इस मुल्क के लिए कमाया, मैंने जो कुछ लुटाया उस मुल्क में रहने वालियों के लिए लुटाया। मैं या तो हुजरे में नजर आता हूँ या मुजरे में। देखो हाय हाय हाय, सच्चाई इसको कहते हैं अनवर, इसको कहते हैं सच्चाई। अपने मुंह से कह रहा हूँ, मैं या तो अपने हुजरे में नजर आता हूँ या मुजरे में। यही दो पॉइंट्स हैं जिधर मैं मिल सकता हूँ। इन दो पॉइंट्स के लिए इतनी बड़ी सजा, मजबूर की फरियाद है। वतन से मोहब्बत करने वालों की रुदाद है, फरियाद करने वाला अंदर है मगर नज़्म आज़ाद है। माजी शादबाद है मगर फ्यूचर बर्बाद है। चमन से फूल गायब है, सिर्फ खाद है। और दो मरतबा नैब जाना है, फिर सजा उसके बाद है। हाय हाय, फिर सजा उसके बाद है। आप नज़्म सुनाएं। की सुनावा? नज़्म। ये इतनी देर से मैं आपको सब्जियों के भाव बता रहा था क्या? ये नज़्म थी जो मैंने लिखी है? अगर नज़्म थी तो अच्छी थी। हुँ. आपके बारे में सुना गया था कि आप इंडोनेशिया भाग रहे थे। तू जरा इधर से मलीर तक भाग कर दिखा, मैं बदतमीजी करूँगा। मैं तुम्हारे इस प्रोग्राम में अब तुमसे मैं करूँगा बदतमीजी। जातियात प्यार हो। मैं इंडोनेशिया भाग रहा था, तुम इधर से मलीर तक भाग कर दिखाओ। भाग ही नहीं सकते। मैं इंडोनेशिया जा रहा था, एयरपोर्ट गया, चेक इन कराया, मैंने काउंटर के ऊपर से बोर्डिंग पास लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन अचानक मेरे अंदर की गैरत जागी कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडोनेशिया क्यों जा रहा हूँ? मैंने इसलिए सफ़र मुलतवी किया, इसलिए कि इंडोनेशिया में इंडू आता है, और इंडू जो है उससे हमारे ताल्लुकात आजकल ख़राब हैं। इंडू? हमारे ताल्लुकात तो इंडिया से ख़राब है। मैं प्यार से इंडिया को इंडू कहता हूँ, आपको कोई एतराज़ है? इससे मेरे वतन से मोहब्बत का, वतन की मिट्टी से मोहब्बत का अंदाज़ा आप लगा लें। मैं आपको एक बात बताता हूँ अनवर मकसूद, कौन ऐसा है? मैंने लाख 10 लाख रुपए जो है, 10 लाख रुपए मैंने समीना को दिए। समीना से मुझे मोहब्बत थी, ठीक है, नैब से मुझे टके की मोहब्बत नहीं है, फिर भी मैंने 225 करोड़ रुपये दिए कि नहीं दिए? जबकि नैब जो है ना मुझे नाच गाना दिखा सकती है, नैब ना मुझे हंस के दिखा सकती है, ना मेरे सामने घूमने फिरने जा सकती है, तो मैं फिर नैब को पैसे क्यों दूं? हुकूमत आपके खिलाफ क्यों है? इसलिए हुकूमत मेरे खिलाफ है कि पिछली हुकूमतें मेरे खिलाफ नहीं थी। आप सच सच बताएं आपने क्या किया था? सच सच बता दूं? जी बता दूं। सच बता दें, जो काम जड़ा काम मेरे बाप दादा ने नहीं किया वो मैं कर दें, मतलब सच सच बता दूं आपको? ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरे दादे ने दादी को एंड तक ये नहीं बताया कि उनके कितने थी पुत्र रहे। वो तो जब बंटवारा होने लग गया तो जो लंबी क्यों लगी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था टाइटैनिक का पहला शो चल रहा है, तब पता लगा कि कितने थी पुत्र थे उनके। आपने टैक्स बचाया? किसने टैक्स बचाया आपने? फिर तू ऊंची आवाज,
میرے ساتھ میں اونچی آواز میں بات کرنا مجھے سخت ناپسند ہے. میں نے ٹیکس کوئی نہیں بچایا بلکہ میں نے پاکستانی ہونے کا قدم قدم پہ ثبوت دیا ہے. پوچھو کیسے. 1946 کے اندر میں نے پہلا پاکستان کو ٹیکس دیا. 47 میں پاکستان بنائے. کب بنائے؟ 47 میں. 47. ہاں تو مجھے پتا ہے. مجھے کیا آپ کوئی نئی انفارمیشن دے رہے ہیں؟ 46 میں جب پاکستان بن رہا تھا تو بڑے لیڈروں نے کہا کہ آپ لوگ مدد کریں. میں نے مدد بھی کی اور ٹیکس بھی دیا. پھر 47 میں جب پاکستان بنا تو میرے مگر پہ گئے, ٹیکس دو ٹیکس دو. کوئی خیال نہیں کیا کہ میں نے پہلے بھی ٹیکس دیا ہے. آپ کیا پہ گئے؟ میرے مگر پہ گئے. مطلب یہ کہ سارے میرے پیچھے پڑ گئے کہ جی آپ جو ہیں ٹیکس دیں. میں نے پہلا ٹیکس دیا 47 میں, پھر اس کے بعد دیا 8 میں, پھر 56 میں, پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد, پھر اس کے 5 سال کے بعد. پھر ایک دن جب میں نے اخبار کے اندر گورنمنٹ کا ایک اشتہار پڑھا تو میں تو ایک دم, میں نے کہا میں کبھی, بالکل ٹھیک ہے روک دو. میں نے اپنے افسران سے کہا کہ ٹیکس جو ہے وہ روک دو. 12 سال کے بعد میں نے اب ٹیکس دیا ہے. تو یہ وقفہ کیوں دیا آپ نے؟ اس لیے کہ سرکار کا میں نے نوٹس پڑھا تھا اخبار میں. میں تو سرکاری بات بالکل مانتا ہوں. اس پہ لکھا ہوا تھا سرکار نے وقفہ ضروری ہے. میں نے خاندانی منصوبہ بندی کا اشتہار ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ وقفہ ضروری ہے. میں کسی کے باپ کا ملازم نہیں ہوں کہ میں پورا پڑھوں. میں نے صرف اتنا پڑھا وقفہ ضروری ہے. میں نے کہا ٹیکس میں ہوگا لازمی, تب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ٹیکس میں ضروری ہوگا. میں نے اپنے آڈیٹرس کو بلا کے کہا کہ ٹیکس روک دو, وقفہ ضروری ہے. ٹیکس کے علاوہ بھی آپ پر کئی الزامات ہیں. ہاں بہت سارے الزامات ہیں جس کی وجہ سے میرا چھپر پھٹ گیا ہے. ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے. کون سا؟ یہ پاکستان غریب نہیں, عجیب و غریب ہے. یہاں کے لوگ جو ہیں وہ غریب کم عجیب زیادہ ہیں. ہم بات کر رہے تھے نیب کی. نیب اور میں جانتا ہوں کسی کو نیب. انور ایک بات بتاؤ, تمہیں ڈیفینس سوسائٹی کے اندر کارنر کا 2000 گز کا پلاٹ چاہیے. 1000 گز کے اوپر تم بنگلہ بنا لینا, 1000 گز پہ لان چھڑ دینا. مجھے نہیں چاہیے. نہیں چاہیے؟ تمہیں نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس چاہیے؟ مجھے نہیں چاہیے. کسی ڈانسر کے ساتھ تمہیں سنگاپور, بینکاک, ہانگ کانگ اپنے خرچے پہ بھجوا دوں. علاج کا خرچہ بھی میرا, سارا کچھ میرا. مجھے کچھ نہیں چاہیے. تمہیں قربانی کے لیے 15-20 بکرے چاہیے؟ میں جو کچھ میرے پاس ہے میں اسی میں خوش ہوں. اچھا, جو کچھ جناب کے پاس ہے آپ اسی میں خوش ہیں؟ تو پھر تم اپنا چیک اپ کراؤ. تم زندہ نہیں ہو. تم زندہ نہیں ہو. تم ایسا کرو, وہ جو نیب میں تمہارے جاننے والے ہیں نا, ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ. وہ ایماندار آدمی ہے. جا یار, کیا رینٹ دے. اگر وہ ایماندار ہے تو آدمی نہیں ہوگا, اور اگر آدمی ہے تو ایماندار نہیں ہوگا. پھر بھی پتہ تو لگاؤ کس چیز کی لوڈ ہے انہوں. انہیں کس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں ان کو جانتا ہوں. تم ان کو جانتے ہو؟ جی. کیا جانتے ہو تم ان کو؟ آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں ملواؤ. مگر میں ان سے نہیں ملوا سکتا. کیوں نہیں ملوا سکتے؟ وہ کسی سے نہیں ملتے, نہ کہیں آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں. جی کہیں جاتے آتے نہیں ہیں. تو کیا کپڑے بھی نہیں ہیں ان کے پاس پہننے کے لیے جو کہیں جاتے آتے نہیں ہیں؟ وہ بہت اچھے سرکاری افسر ہیں. اچھا, تو پھر تو میرا خیال ہے لگتا ہے 5 سال رہیں گے. آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ کس نے؟ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ میں نے اس ملک کی چار سونے ملک کی سونیوں سے میں نے شادی کی, اور پھر میں نے ان کو بڑے بڑے مکان بنا کے گفٹ اسکیم کے تحت دیے. یہ کم بات ہے؟ بڑا جگر چاہیے انور کسی کے اوپر پیسہ خرچ کرنے میں. میں نے اور میں نے فیکٹریاں لگائیں کہ میں چاہتا تھا کہ اس ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ سیٹ پیدا ہوں. آپ کو پتہ ہے پولیس والوں کو تنخواہیں میں نے اپنی جیب سے دی. یہ جو ایکسائز والے ہیں ان کے کار کے اوپر ٹھنڈی مشینیں کس نے لگوائیں؟ میں نے لگوائیں. یہ جو بجلی کے میٹر چیک کرنے کار کے اوپر آتے ہیں بیچارے, پیدل ٹرتے پھرتے رولتے پھرتے آتے ہیں, میں نے ان کو موٹر سائیکلیں دلائی. یہ سارا کچھ تم لوگ بھول گئے؟ یہ تو رشوت ہوئی نا. رشوت میری جان, رشوت کہتے ہیں مجبوری میں دینے کو. جو چیز مجبوری میں, یہ تو میں نے اپنی مرضی سے دی ہے نا رشوت. دیکھو رشوت کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں کسی خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوں, اچانک چھاپا پہ گیا اور میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اگر کچھ پیسے دے دیا, دیٹ از رشوت. اس لیے کہ میں اس وقت بے بس ہوں, مجبور ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ سیٹ کی عزت جائے اور پیسہ جائے, دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جیب اور عزت تھوڑی دیر بعد پھر بھر جاتے ہیں. آپ سے مل کر یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ بڑی خوشی ہوئی, مگر آپ میرے مہمان ہیں, مجبوری ہے لوز ٹاک میں آنے کا. شکریہ. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان. کیوں کھسک گئے تم؟ نہ تو تم کوئی بلڈنگ اور نہ یہ جہاز ہے جو ٹکرا جائے گا. بات یہ ہے کہ میں جب پڑھتا تھا سکول میں تو یہ کاغذ کے ایسے جہاز بنا کے پھینکتا تھا. اب میرے پاس
ایسا اللہ کا دیا اتنا ہے کہ میں نوٹوں کے جہاز بنا کے پھینکتا ہوں، تم بھی یہ جہاز نوٹوں کے اڑا سکتے ہو، ایک دفعہ مجھے نمبر دے دو جس کو نیب میں تم جانتے ہو۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، وہ نمبر میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو میں ایک کام کروں، شام کا کھانا جو ہے وہ تم نسرین کے ساتھ کھاؤ۔ کیا مطلب؟ میں اس کو فون کر دیتا ہوں نسرین کو، تم شام کا کھانا اس کے ساتھ کھاؤ اور میں شام کو پھر تمہاری طرف آتا ہوں، کیونکہ صبح کا پولا جو ہے شام ہی کو کار آتا ہے۔ آپ مت کریں فون، بند کریں اس کو۔ نسرین کے ساتھ کھا لو کھانا۔ آپ اس کو بند کریں۔ شمیم کے ساتھ کھا لو۔ آپ پلیز اس کو بند کر دیں۔ اچھا بند کر دیں اس کو۔ تیرا ٹائپ ہی نہیں سمجھ آیا میں نے۔ آدھے گھنٹے میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس ملک میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں اور جو صرف اسی پروگرام میں آ سکتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔